बीती रात इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई, जिसके बाद महिला ने कंप्लेंट आईटी पार्क थाना पुलिस को दी। इसके बाद आईटी पार्क थाना पुलिस ने कंप्लेंट के आधार पर दो आरोपियों को दबोचा। इस पूरे मामले को लेकर हमने जब एसएचओ आईटी पार्क रोहतास यादव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस वीडियो में। चंडीगढ़ से मनीष रिपोर्ट। कल रात को लगभग 11 बजे के आसपास एक महिला पार्क से सैर करके निकल रही थी, उसके हाथ में मोबाइल था, तो दो लड़कों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन के और रात को पा तो रात को अंधेरा करके उसने तो देख लिया था, उसने पहचान लिया था कि हाँ मैं पहचान सकती हूँ, लेकिन रात को अंधेरा करके हमें नहीं पता लगा जो सुबह दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। ये रात को 11 बजे के आसपास जिन्होंने स्नैचिंग की वो भी इंदिरा कॉलोनी के ही रहने वाले, एक का नाम रोहित है और दूसरा अनिल, एक 19 साल का और 20 साल का है। जो रोहित है उसके ऊपर मनी माजरा पुलिस स्टेशन में पहले भी एक स्नैचिंग का केस था। ये पढ़ते नहीं है, जो एक तो रोहित है वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से आया, और जो दूसरा अनिल है वो किसी कोल्ड ड्रिंक के स्टोर में लेबर था, स्नैचिंग करके और मोबाइल बेचने का मकसद हमारा एक ही है कि क्राइम को रोकना। जब से मैं यहाँ लगा हूँ तो मेरा भी मकसद यही रहा है कि क्राइम को रोका जाए, और क्राइम रोकने के लिए स्नैचिंग हो रही है तो स्नैचिंग को भी हमने डिटेक्ट कर लिया है, और नशे और ये जो जितने लड़ाई झगड़े या सारी चीज़ें हैं इनके मूल में जो जड़ है वो शायद नशा ही है, तो नशे को ख़त्म करने के लिए या नशा रोकने के लिए जितने हो सकते हैं चाहे लोगों को अवेयर किया जाए या फिर जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाए। मेरी ये सोच है कि जब हम हर काम के लिए जहाँ पे डिमांड खत्म हो डिमांड होती है तो वहीं पे वो चीज़ आती है, तो लोगों को अवेयर करके उस डिमांड को खत्म किया जाए जिससे कि नशे की सप्लाई रुक सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।